अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, वेलकम टू मोहम्मद शुएब अली इन्फॉर्मेटिव चैनल। आज का जो टॉपिक है वो अक्सर जो न्यू फैंसियर्स है वो सवाल करते हैं कि भाई आप अपने बर्ड्स को कौन से दवाइयाँ यूज़ करते हैं, कौन से विटामिंस और कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में आज थोड़ी सी डिटेल में वीडियो है और ये वीडियो पूरी देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है बर्ड्स को देनी चाहिए जिससे क्या फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले तो मैं एक बात कर देता हूँ, हम जो बर्ड्स को यूज़ करता हूँ मैं, वो इनमें से मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ, उसकी डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। ये ट्राइफिल है, ट्राइफिल पाउडर, ये बेसिकली जो है पोल्ट्री मेडिसिन है और इसका मकसद जो है एंटीबायोटिक का ये काम करती है, ठीक है। और ये बर्ड्स को आप पिला सकते हैं। इसका तरकीब इस्तेमाल जो है 1 ग्राम 1 लीटर पानी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये ट्राइफिल पाउडर अगर आप यूज़ करें तो इससे बर्ड्स जो है बेसिकली ये प्रिवेंशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर जो है प्रिवेंशन के लिए थोड़ी सी डोज लाइट हो जाएगी, और अगर जो है परिंदा जो है या कोई भी परिंदा या मुर्गी वगैरह सब में यूज़ कर सकते हैं। डोज में हर चीज़ की डिफरेंट होती है, इसमें लिखी हुई भी होती है और वो भी है, तो इससे परिंदा बड़ा हेल्दी और एक्टिव रहता है। तो ये ट्राइफिल पाउडर जो है ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो इसका मैं आगे बताऊँगा कि क्या इस्तेमाल है। ये बेसिकली एंटीबायोटिक है। अब एंटीबायोटिक के बाद मल्टीविटामिंस यूज़ कर किया जाता है। अब मल्टीविटामिंस जो है मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं अपना बता देता हूँ कि मल्टी लाइट प्लस के नाम से यूज़ करता हूँ। ये बेसिकली मलेशियन प्रोडक्ट है और इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है मेरे पास, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। अब मल्टीविटामिंस भी बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊँगा कि किस तरह किस चीज़ का कैसा इस्तेमाल है। तो बेसिकली आप ये सुन लें कि इसमें है क्या क्या चीज़। इसमें विटामिन ए भी है, विटामिन डी 3 भी है और विटामिन ई भी है, विटामिन के, विटामिन बी और दीगर चीज़ें आप लोगों को स्क्रीन में साफ दिख रही होगी। इसमें कैल्शियम से लेकर, जिंक से लेकर, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, नमक वगैरह हर चीज़, और इवन के प्रोबायोटिक्स भी इसमें शामिल है, मगर सब चीज़ें हैं। और इसमें देखें इंडिकेशन में आप देख सकते हैं कि अगर पुअर लेइंग परफॉर्मेंस जो है परिंदों की, उसके लिए भी है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम के लिए भी है और ब्रीडिंग प्रॉब्लम के लिए भी है। और मेन जो इसका मकसद है, इसमें यहाँ आप देखें डिहाइड्रेशन भी है इसमें, और विटामिन डेफिशिएंसी यानी विटामिन की कमी हो जाएगी तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है, वायरल चैलेंजेस में भी काम करती है, और मेन जो है स्ट्रेस के लिए, परिंदा अक्सर स्ट्रेस में आके ब्रीडिंग ख़राब करता है, तो उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हम जो ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ये आई थिंक यूरोपियन मेडिसन है ये, और ये जो है बैक्टोसेल के नाम से हम यूज़ करते हैं। पहले मैं प्रोटेक्सिन यूज़ करता था, ये बेसिकली प्रोबायोटिक्स है और इसमें जो है इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये बेसिकली प्रोबायोटिक्स जो है यूज़ करते हैं जब परिंदा ब्रीड कर जाता है तो उनके पट्ठों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर ये परिंदा खाए और फीड कराए इसका मेडिसिन, भले ही आप सॉफ्ट फूड में यूज़ करें या पानी में यूज़ करें, तो उसके बाद जो है पट्ठों को अगर ये फीड जब ये कराएगा तो इंशाल्लाह आपके पट्ठे मरेंगे नहीं, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो बैक्टोसेल है, ये थोड़ी सी महंगी मगर इसका डोज भी हैवी है, ये 1 ग्राम 2 लीटर पानी में लगती है। बेसिकली तमाम दवाओं का डोज यही होता है 1 ग्राम 1 लीटर पानी, मगर इसका 1 ग्राम 2 लीटर पानी है। बाकी ये देख सकते हैं आप इसके चीज़ें जो हैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, और इसका पूरा कैटलॉग भी आता है साथ। ये सब मेरी यूज़ हुई हुई हैं तो इस तरह इस हाल में पड़ी हुई हैं। ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसके पीछे इसका कैटलॉग था, मैंने पूरा फाड़ के फेंक दिया है, किसी काम का नहीं था। उसमें हर मुल्क के ज़ुबान में उसकी चीज़ें, इसमें डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी। तो बेसिकली ये एक प्रोबायोटिक्स आ जाता है। और जो चौथी चीज़ हम यूज़ करते हैं विटामिन ई सिलीनियम, ये बेसिकली टोटली फर्टिलिटी के लिए है, और ये जो है जॉर्डन की प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ करता हूँ, सही है। और इसका रिज़ल्ट जो है फर्टिलिटी से रिलेटेड है, परिंदा जो है अंडे ख़राब दे रहा है, अंडे सही नहीं दे रहा और दीगर चीज़ें ब्रीड नहीं कर रहा, या इन सब चीज़ों में ये बहुत अच्छी ई सिलीनियम जो है काम आती है। तो अब मैं आपको जो है हर चीज़ के बारे में जो है डिटेल में बताता हूँ कि क्या कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर आप बर्ड लेकर आते हैं, ये तो मैंने लूज़ में डाला हुआ है, इसकी इसी में ई सिलीनियम को डाला हुआ है डब्बे में, तो ये फर्टिविट की ट्राइफिल की मैं बात करता हूँ।
ट्राइफिल आप सबसे पहले लाएं और बर्ड्स को ये तकरीबन मिनिमम 3 दिन तक यूज़ कराएं। कोई भी उसमें मसले मसाइल खामियां या नज़ला खांसी बुखार या इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी वो उसको दूर कर देगा। तो ट्राइफिल का आपने सबसे पहले 2-3 दिन चला दें या 5 दिन चला दें, जैसे आप देखें बर्ड्स की कंडीशन। तो नुकसान ये एंटीबायोटिक बेसिकली हर परिंदे को, एंटीबायोटिक तो इंसानों को भी नुकसान देती है, मगर ये जो एंटीबायोटिक है ये बहुत कम इसका साइड इफ़ेक्ट है, यानी ये लाइट एंटीबायोटिक है और इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होता है। तो या आप अगर वीकली भी परिंदे को एक बार पिला दें या 10 दिन में एक बार पिला दें तो परिंदा जो है बीमार होता ही नहीं है, तो अच्छी प्रोग्रेस देता है। और ब्रीड वगैरह के दौरान भी अगर आप पिला सकते हैं तो बच्चे वगैरह को, ये माँ बाप को पिलाएंगे तो बच्चों को फीड कराएगा तो बच्चे भी हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। तो मैंने ये डिटेल में ट्राइफिल का बता दिया है। 1 ग्राम 1 लीटर में नॉर्मली यूज़ किया जाता है। परिंदा ज़्यादा सा थोड़ा बीमार ज़्यादा हो लग रहा हो आपको, थोड़ी सी डोज़ बढ़ा दें। बीमार बिल्कुल फ्रेश परिंदा रख रहा हूँ तो डोज़ थोड़ी सी कम कर दें। तो इस तरह से ये ट्राइफिल का जो है आपका इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है ये ट्राइफिल सिर्फ मैं यूज़ करता हूँ, आप कोई और सा एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। मैंने वजह आपको बता दी है कि इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ कि इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होता है दूसरों के मुकाबले में। उसके बाद जब ट्राइफिल की डोज़ आपकी पूरी हो जाए तो विटामिन ई सिलीनियम आप ये बर्ड्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसका कोई इतना ख़ास नुकसान नहीं है। तो बेसिकली जो मेरी पिछली वीडियो थी, लास्ट जो मैं दाने में यूज़ करता हूँ, वो भी इवियॉन कैप्सूल का भी इसी ऐसा ही काम है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट फूड में यूज़ कराना चाहें सॉफ्ट फूड में करवा लें। पानी में देखें, पानी में इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। पानी में आप 3 दिन में यूज़ करा देंगे तो काफ़ी हैवी होगा। सॉफ्ट फूड में डेली थोड़ा थोड़ा डाल के भी दे सकते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो ये इसीलिए ना 8-10 दिन तक कोर्स करा दें तो बिल्कुल फिट हो जाएगा परिंदा, ब्रीड के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने एंटीबायोटिक यूज़ करी, उसके बाद कुछ दिनों बाद ये इसीलिनियम यूज़ करी, अब परिंदा बिल्कुल आपके ब्रीड के लिए रेडी है। जो थर्ड पोजीशन आती है वो है मल्टीविटामिन्स की। ये आप अपनी रूटीन बना लें, या तो आप 10 दिन में 3 दिन लगातार दें फिर छोड़ दें, या आपकी मर्ज़ी हफ्ते में 1 दिन दें या हफ्ते में 2 दिन दें, ज़्यादा कम से कोई इतना फ़र्क नहीं होता। 1 ग्राम 1 लीटर में पानी में यूज़ करें, या आप डेली सॉफ्ट फूड में मिला के भी दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो सॉफ्ट फूड में खाते हैं और असर कम हो जाता है, पानी में 24 घंटे लगा रहता है या 12 घंटे जितने घंटे भी आप पानी चेंज करते हैं। 1 दिन से ज़्यादा पानी मत चलाइएगा, 1 दिन के अंदर ही जितना चेंज करना है उसको कर सकते हैं। तो उसके बाद वो मल्टीविटामिन्स का काम शुरू हो जाता है। अब परिंदे ने ब्रीड कर दी और बच्चे निकल रहे हैं, निकलने वाले हैं। थोड़े से बड़े बच्चे 5-6 दिन के हों तो आई वी बैक्टोसिल यूज़ कर लें। इसका भी वही तरीक़ेकार है, हफ्ते में 1-2 बच्चे जब निकल जाएँ तो 3-4 दिन यूज़ करवा दें, फिर ड्रॉप कर दें, फिर जब बच्चे सेल्फ होने वाले हों तो उस टाइम लाजमी यूज़ कराएं। ये 2-1 बच्चे अंडे से निकलने के कुछ दिनों बाद और बच्चे सेल्फ होने वाले जब हों तब आप इसका इस्तेमाल लाजमी करें, तो आपका पट्ठा जो है बहुत ज़बरदस्त एक्टिव और हेल्दी रहेगा। और उसके बाद बीच बीच में भी आप यूज़ कर सकते हैं, मगर ये 2 टाइम जो मैंने बताया तो ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, हमने ये 4 दवाइयों के इस्तेमाल आपको बताए हैं, जिसमें सबसे मेन किरदार जो है, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाई वो मल्टीलाइट यानी मल्टीविटामिन्स है और ट्राइफिल है। ये आप यूज़ करते रहा करें। बैक्टोसेल का मैंने बता दिया किस दौरान यूज़ होता है, और इसीलिनियम ब्रीड से पहले इस्तेमाल करते हैं। ब्रीड के दौरान भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मगर तो बेसिकली ये तमाम ये 4 चीज़ें जो मैं यूज़ करता हूँ, ये 4 अगर आप यूज़ कर लें तो बेस्ट है। इसके अलावा अगर दीगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट्स में कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। मेरा नंबर भी मेंशन होगा, मेरे नंबर से भी आप रابطہ कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। कोई भी इशू हो, कोई कुछ हो तो हम आपको उसकी जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई और टॉपिक हो आप लोग की नज़र में और जो आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं तो उसको भी इंशाल्लाह हम आपको शेयर करेंगे। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी है, बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव मज़ीद मिलती रहेगी। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको, और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो फौरन नोटिफिकेशन इसका वीडियो का मिल जाएगा। और बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। फी अमान अल्लाह हाफिज़।